सोचे कि ये बोल सकते हैं, लेकिन आप वो बात करते करते भूल जाती है कि क्या बात कर। अब कह रहे मम्मी। हाय गाइस, कदम ताल विनिका के साथ में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आज मुझे मेरे बेटे का रिपोर्ट लेने जाना है, जो ब्लड टेस्ट और यूरिन का जो रिपोर्ट आया वो कल आया, वो नॉर्मल आया है। स्मॉल निमोनिया निकला है उसमें, तो उसकी वजह से एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एक चीज़ के लिए तो सुकून का है, लेकिन उसका प्लेटलेट कम हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने डेंगू का रिपोर्ट निकाला है। आज डेंगू का रिपोर्ट आने वाला है। डॉक्टर ने कहा है जरा सा भी अगर इन्फेक्शन होगा, अगर ऐसा लगेगा कि प्लेटलेट काफ़ी कम हो गया है, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो आज हम जा रहे हैं, देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकलता है। बस भगवान से मनाइए कि एडमिट करने की नौबत ना आए। फिलहाल मेरे बेटे की खांसी भी ठीक हो गई है, मतलब कि 100% में से 20% ही उसको खांसी आ रही है। हल्का फुल्का सर्दी रह गया है, दवाइयाँ मैं लगातार दे रही हूँ। बट वो ब्लड टेस्ट तब हुआ था जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और रिपोर्ट भी उसी के बेसिस पे आएगा। अभी 3 दिन से वो ठीक है, तो वही डॉक्टर को बताना है कि फ़िलहाल वो ठीक है। अब देखते हैं वो क्या बोलती हैं क्या नहीं। अभी हमें जाना है 12:30 बजे। सो मिलते हैं आपको आगे। Everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just देखिए भगवान जी, पूरा बादल है। 4:30 बज रहा है शाम के, पूरा बादल घेरे हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। इतनी उमस हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। ये नहीं कि थोड़ा बारिश हो जाए, हल्की हल्की हवा चल रही है बस। वो भी हवा आपको बहुत नाम मात्र नहीं चल रही है। इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या ही कहें। थोड़ा बारिश हो जाए तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा थोड़ा। बहुत गर्मी हो रही है।
हे भगवान जी, बरस दीजिए थोड़ा। पता नहीं बारिश कब होगी, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत उमस भी हो रही है। सो आप भी हम लोग घर आए हैं, मैं और मेरा बेटा। रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर को भी दिखाया मैंने और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। इतना टेंशन था, डॉक्टर ने कहा था रिपोर्ट में जरा भी सिम्टम्स आया तो एडमिट करना ही पड़ेगा। सो भगवान, थैंक यू गणपति बप्पा। बहुत टेंशन था, मेरा बच्चा ठीक है, घर लेकर आई उसे। रिपोर्ट भी डॉक्टर को दिखाया, दवाई दिया डॉक्टर ने, बोला घर पे ही आप दवा खिलाइए उसको। स्मॉल पैच है निमोनिया का, तो घर पे इलाज हो जाएगा, एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दवाई लेकर आई हूँ, डॉक्टर ने कहा है 15 दिन तक दवाइयाँ चलेंगी, उसके बाद वो फिर से साइड टेस्ट करेंगी कि निमोनिया का जो भी है वो असर ख़त्म हुआ या नहीं। मेरा बेटा घर पे रहे, जो भी इलाज हो मैं कर लूँगी। वो हॉस्पिटल वाला सिस्टम, बाप रे। एक तो मेरे बेटे की नस नहीं मिलती है, वो इंजेक्शन से डरता बहुत है, बाप रे। सभी डरते हैं बट वो चीज़ देखा नहीं जाता है। एक बार एडमिट भी हो चुका है वो, निमोनिया हुआ था, 1 साल का था वो, 15 दिन एडमिट था हॉस्पिटल में। तो वो सब चीज़ें बाप रे, सोच कर ही डर लगता है। इसीलिए ज़्यादा मैं टेंशन में थी कि एंड अगेन फिर से कुछ ना हो उसे। बस भगवान सब सही रखें, मेरे दोनों बच्चे हमेशा सही रहें, खुश रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। बाय।